आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे लिमिट स्टेट मेथड। तो लिमिट स्टेट मेथड कब बनाया गया, उसका क्या यूज़ है, वर्किंग स्टेट मेथड क्यों नहीं अप्लाई हुआ। तो लिमिट स्टेट मेथड में आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, ब्लॉक पैरामीटर डायग्राम देखेंगे, उससे रिलेटेड उस आपको फॉर्मूला देखेंगे और बेसिक चीज़ हम आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद लेक्चर वाइज लेक्चर आप हम क्लियर करते जाएंगे उस पर डिजाइनिंग स्टेप और उस पर न्यूमेरिकल है कि न्यूमेरिकल। तो लिमिट स्टेट मेथड इसलिए यूज़ किया गया कि वर्किंग स्टेट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे, क्रीप था, डिफ्लेक्शन था, टॉर्सन थे, कंप्रेशन थे, वाइब्रेशन था, जिसको उसमें ज़्यादा क्लियर नहीं किया जाता और लोड बढ़ने के साथ साथ उसमें क्या हो रहा था कि मेंबर की साइज भी बढ़ानी पड़ रही थी, इस वजह से लिमिट स्टेट मेथड का यूज किया गया। तो लिमिट स्टेट मेथड में आपको दो इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट ध्यान बेसिक ध्यान में पड़ेगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्सन और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्सन में आपको बहुत सारी इसके अंतर्गत चीज़ें क्लियर की जाती हैं। फॉर एग्जांपल बेंडिंग क्लियर होता है, कंप्रेशन क्लियर होता है, शियर क्लियर होता है और टॉर्सन क्लियर होता है। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में आपका डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग और वाइब्रेशन ये पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। तो अब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे ब्लॉक पैरामीटर डायग्राम। ब्लॉक पैरामीटर डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और इसमें छोटे छोटे फॉर्मूले को आप हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उसको समझ लेंगे कि उनका क्या मतलब होता है, उनका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए आपका ब्लॉक पैरामीटर डायग्राम हम आपको पहले से बता दिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आप यहाँ से इसको देख लीजिए और समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ये सेक्शन है या तो क्या है, ये सेक्शन है किसी भी बीम का, ये सेक्शन कट किया गया है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो डॉटेड वाली लाइन गई है इसे बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो जोन होता है उसे बोलते हैं कंप्रेशन जोन और न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे जोन होता है उसको बोलते हैं टेंशन जोन। टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि मैक्सिमम बीम के नीचे आपका टेंशन उत्पन्न होता है और बताया जाता है कि कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में बेस्ड होता है और जो स्टील होता है वो आपका टेंशन में बेस्ड होता है। तो टेंशन जोन में हम लोग स्टील को प्रोवाइड करते हैं, इसे हम लोग एस टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 दिख रहा है, इसे हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू पाई बाई 4 डी का स्क्वायर। एन क्या है, नंबर ऑफ बार और डी क्या है, डाया ऑफ द रेनफोर्समेंट। यहाँ पर 3 है तो n के स्थान पे 3 है, 4 होगा तो 4 होगा, 2 होगा तो 2 होगा। देन स्मॉल b क्या है, उसकी विड्थ है, उसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है स्मॉल d और कैपिटल d। तो जो कैपिटल d है उस बीम की ओवरऑल डेप्थ है और जो आपका स्मॉल d है ये आपका इफेक्टिव डेप्थ है या प्रभावी गहराई है। अब प्रभावी गहराई क्या होता है, टॉप से आपका रेनफोर्समेंट के बीच का जो पार्ट होता है वहां से उस सेक्शन के ऊपर का जो लाइन होता है वहां से उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल डी। देन डाया के बीच से नीचे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर और डाया के नीचे से जो नीचे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्लियर कवर। तो ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर कवर और आपका इफेक्टिव कवर। तो ये आपको चीज के लिए, ये आपका है स्ट्रेन डायग्राम, इसे कहते हैं स्ट्रेन डायग्राम। अब स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो टॉप पे क्या होता है, नीचे क्या होता है, ये चीज को लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है E, स्मॉल E से रिप्रेजेंट किया हमने, E CUR इक्वल टू 0.0035 और नीचे लिखा हुआ है ECC इक्वल टू कंप्रेशन 0.002 और न्यूट्रल एक्सिस से टॉप की जो गहराई हो उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं XU से। XU से रिप्रेजेंट हम यहाँ लिख दिए, ये बात दोनों चीज बराबर है। देन आपका ये है डायग्राम, इस डायग्राम को बोलते हैं डिजाइन स्ट्रेस एंड फोर्स डायग्राम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिजाइन स्ट्रेस एंड फोर्स डायग्राम। यहां से हम लोग इस मेंबर पे पड़ने वाले सारे फोर्स को डिस्कस करेंगे। यहां पे देखिए ये आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है डायग्राम, ऊपर का न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट आपका ये जो वाला ऊपर वाला पार्ट बनता है रेक्टेंगल बनता है और ये नीचे वाला पार्ट बनता है ये क्या बनता है, पैराबोला बनता है। तो टॉप से रेक्टेंगल का गहराई जो होता है वो है 0.43 XU और इसकी जो गहराई है पैराबोला की यहाँ से बीच से इसके 0.57 XU। और ये कितना गहराई नीचे है, ये फोर्स कितने मेंबर काम करता है, ये फोर्स जो आप CU रिप्रेजेंट कर रहा है, CU क्या बोलता है, कंप्रेशन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और TU यहाँ पर जो लिखा है वो टेंशन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंप्रेशन फोर्स की गहराई इस एरिया के लिए कितना होता है, इसे हम लोग वाई बार से रिप्रेजेंट करते हैं और वाई बार की वैल्यू लिखा हुआ है 0.42 XU। और कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स के बीच की दूरी को बोलता है लीवर आर्म बोलते हैं और लीवर आर्म को जेड से प्रेजेंट करता है और जेड छोड़ कर आ जाएगा। अब ध्यान देखिए ये टोटल कितना है, डी है, ये टोटल कितना है डी और इसमें से ये वाई बार निकल गया तो ये कितना बचेगा, डी माइनस वाई बार, या इसे हम लोग बोल सकते हैं डी माइनस 0.42 XU। क्यों, क्योंकि वाई बार की वैल्यू हमने क्या बताया 0.42 XU।
तो यहां से कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 0.36 fck xu into b और टेंशन फोर्स हो जाएगा 0.87 fyast। अभी आपको b पता हो गया, xu पता हो गया, ast पता हो गया, fy और fck क्या है, तो हम आपको बता देते हैं कि fy और fck क्या है। तो fy जो है आपका, इसे एग्जांपल देख लेते हैं, अगर फॉर स्टील अगर लिखा हुआ है 250, तो जो इसका fy होगा वो हो जाएगा 250। इस fy को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन fck क्या है, अगर मिक्स कंक्रीट के लिए बोला जाता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट है। अगर m20 लिखा हुआ है तो इसका fck क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहां से सारी चीजें आप क्लियर होनी चाहिए। अब एक-एक पॉइंट फॉर्मूले क्या होते हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अब प्रतिबल ब्लॉक क्षेत्रफल के लिए देखा गया, तो इसे हम लोग x1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर वाले किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x2 से। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x1, इसकी क्या होगी x2। तो x1 किसके लिए है, पैराबोला के लिए है। तो पैराबोला x1 कितना हो जाएगा 0.57 xu और रेक्टेंगुलर के लिए जो गहराई है x2 = 0.43 xu। अब यहां से हम लोग कुछ पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे जो बेसिक पॉइंट्स हैं। जैसे कंक्रीट में, अब देखिए पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि कंक्रीट में कुल संपीड़न बल कितना लग रहा है, यानी कि कंक्रीट में कुल संपीड़न बल, तो इसे हम लोग कंक्रीट का कुल संपीड़न बल कितना था, cu। तो इसे हम लोग यहां पे लिख लेंगे cu = 0.36 fck xu into b। दूसरा पॉइंट क्या होता है, अब हम लोग देख लेंगे कि कंक्रीट में कुल संपीड़न बल कितना लगा है, उसके बाद देख लेंगे कि स्टील में कुल स्टील में तनन बल लगेगा और कंक्रीट में संपीड़न बल लगेगा। तो यहां स्टील के लिए देखते हैं, स्टील के लिए जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो स्टील में कुल तनन बल जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, TU। इसको किससे लिखा जाएगा, 0.87 fyast। यहां से क्लियर होना चाहिए 0.87 fyast। पर AST क्या होता है, FY क्या होता है, 0.87 आपको पता ही है, FCK क्या होता है, XU क्या होता है, ये हम आपको सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट आता है XU। XU आपको समझना है कि XU की वैल्यू कितनी होती है। तो XU तो अभी आपने देखा कि XU क्या होता है, उसकी बल शून्य अक्ष की स्थिति है, टॉप से न्यूट्रल एक्सिस जो है इसकी कितनी होती है, ये इसे हम लोग XU कहते हैं। और XU को हम लोग कहते क्या है, बल शून्य अक्ष, बल शून्य अक्ष। तो बल शून्य अक्ष की स्थिति को इसके लिए लिख देते हैं बल शून्य अक्ष, ठीक बड़ा रहेगा। तो बल शून्य अक्ष की स्थिति, पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। तो पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सयू से। अब एक्सयू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर देंगे, तो उसमें लगने वाले टेंशन फोर्स और कंप्रेशन फोर्स के मान को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, यानी कि cu = tu। और cu की वैल्यू कितनी है, 0.36 fck xu into b = 0.87 fyast। यहां से xu की वैल्यू आ जाएगी 0.87 fyast अपॉन 0.36 fck into b। तो ये आपकी आ जाएगी बल शून्य अक्ष की स्थिति। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बल शून्य अक्ष की स्थिति के बाद अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि बल शून्य अक्ष का सीमांत मान, बल शून्य अक्ष का सीमांत मान, यानी कि इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं xu मैक्स और xu लिमिटेड। ये आपका क्या है, सीमांत मान है, सीमांत मान। अब सीमांत मान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सीमांत मान के लिए। उसकी वैल्यू होती है xu लिमिटेड या मैक्स इक्वल टू 700 d अपॉन 1100 प्लस 0.87 fy। या इसे हम लोग सारणी नंबर 14.3 से ये भी देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर fy है तो कंडीशन बन जाता है, अगर fe 250 होगा तो क्या होगा, Fe 415 होगा तो क्या होगा, और Fe 500 होगा तो क्या होगा। अब आप इस फॉर्मूले का यूज करिए या डायरेक्ट इन सब मान को पुट करके इसकी जो वैल्यू आती है सारणी नंबर 14.3 से उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आप इसके स्थान पर 250 रखते हैं तो आपकी जो XU मैक्स या XU लिमिटेड की वैल्यू है
वो आ जाएगी 0.53d, इसको रखने पर 0.48d और इसको रखने पर 0.46d। ये आपको वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाएगा, इससे आप इसको देख सकते हैं। तो यहां से आपका एक्स्यू मैक्स का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले का यूज करिए या उसके स्थान पर इस टेबल का 14.3 इससे आप कर लीजिए। तो इसमें बेटर है कि आप ये यूज करिए, आपको फॉर्मूला भी कम याद करना पड़ेगा, इससे आसानी से वैल्यू वही सेम निकलेगी, तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील। तो परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ स्टील आर इक्वल टू 0.414 एफसीके एक्स्यू मैक्स अपॉन एफवाई इनटू टी। कि आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ स्टील। जब परसेंटेज ऑफ स्टील निकल जाता है तो उससे हम लोग एरिया स्टील भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है, एएसटी अपॉन बीडी। तो एएसटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इनटू बीडी। तो यहां से आसानी से आपको वो मिल जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध आघूर्ण। तो प्रतिरोध आघूर्ण निकालने के लिए हमें दो कंडीशनों का ध्यान देना पड़ेगा, अर्थात लिमिट स्टेट मेथड में। अब देखिए यहां से क्या होता है कि हम लोग बल स्पिन अक्ष के स्थित अर्थात XU और बल स्पिन अक्ष का सीमांत मान अर्थात कि XU max का कंपेयर कराते हैं, यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए जिसे हम लोग MR या MU से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए इन दोनों का क्या करना पड़ता है, कंपेयर कराना पड़ता है। इन दोनों का हम लोग क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे, उसके बाद वहां से कंडीशन बनती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है। यानी कि जब इन दोनों का कंपेयर कराने के लिए तीन केस होते हैं, यानी कि पहला केस क्या है, XU का मान XU max के मान के बराबर है, तो इस सेक्शन को बोलते हैं हम लोग बैलेंस सेक्शन। इस सेक्शन को बोलते हैं बैलेंस सेक्शन यानी कि संतुलित खंड। दूसरा केस ये होता है कि XU का मान XU max के मान से क्या हो, कम हो, तो इसे बोलते हैं हम लोग अंडर रेनफोल्ड सेक्शन अल्प प्रबलित खंड। और तीसरा केस ये होता है कि XU का मान XU max के मान से ज्यादा हो, इसे बोलते हैं ओवर रेनफोल्ड सेक्शन यानी कि अति प्रबलित खंड। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये देखा जाता है, यदि ये दोनों केस होता है तो आपका जो सेक्शन है उस पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, लेकिन इसका अगर कंडीशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन जब आता है केस, तो हम उसमें उसको पुनः डिजाइन करते हैं, यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वहां पर उसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन के लिए अगर लिमिट स्टेट में कंडीशन आ रही है तो आपको अगेन उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करना पड़ेगा। यानी इन दोनों केसों के लिए हम लोग यूज करेंगे, यानी कि ये आपका एक्सेप्टेबल है और ये आपका यूज नहीं होगा, लेकिन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने समय ये कंडीशन आती है, तो इस वाली कंडीशन को हम लोग इस वाली कंडीशन के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, लेकिन आपको उसका अलग से डिजाइन फिर से करना होता है। तो अब इसके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा अलग अलग सेक्शन के लिए। तो फॉर अ बैलेंस सेक्शन और ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, तो पहला केस आपका जो हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, तो क्या हो जाएगा, यानी कि XU जब XU max के बराबर हो या फिर आपका ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन की कंडीशन आ रही हो, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, MU लिमिटेड का मान निकालते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 0.36 FCK XUB। अब मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 0.36 ये आपका फोर्स हो जाएगा और डिस्टेंस कितना है आपका z, यानी कि d माइनस 0.42 XU। तो यहां से ये कंडीशन हो जाएगी। इसके लिए साइडिंग नंबर आप 14.5 भी यूज कर सकते हैं, वहां से अलग अलग कंडीशन के लिए दिया हुआ है, देखिए एफ ई 250 के लिए दिया हुआ है, एफ ई 415 के लिए दिया हुआ है और एफ ई 500 के लिए दिया हुआ है। यहां से MU लिमिटेड का मान भी अलग अलग कंडीशन में, क्यों, यहाँ पे XU की वैल्यू चेंज हो जाती है, जब XU की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ से MU का मान आ जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी कि 0.149 BD स्क्वायर FCK, 0.138 BD स्क्वायर FCK और 0.133 BD स्क्वायर FCK।
यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज करिए या इसको करिए। नेक्स्ट आपकी कंडीशन बनती है केस टू, यानी कि जब आपका XU का मान XU मैक्स के मान से कम हो, तो यहाँ से MU का मान के लिए क्या यूज करते हैं, 0.87 FI AST आपका फोर्स है और डिस्टेंस 0.42 XU, तो ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस लेक्चर में देख लिए ये बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सीमांत मान क्या होता है, बल शून्य अक्ष की स्थिति क्या होती है, कंप्रेशन फोर्स कितना होता है, टेंशन फोर्स क्या होता है। अब इन सभी को मिक्स करने के बाद हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे कि इस पे प्रॉब्लम कौन कौन से होंगे, तो उन प्रॉब्लम की डिजाइनिंग स्टेप हम आपको बता देंगे और उस पे बेस पे आपको न्यूमेरिकल भी बता दिया जाएगा। थैंक यू।